दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक कंपनी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंटीग्रा माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। बहुत कम लोग इस कंपनी का नाम सुने होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों, मुझे इस कंपनी का ऑफ़र आया था 2019 में, अप्रैल 2019 में। तो मैं कंपनी का नाम नहीं जानता था, तो मुझे मतलब बहुत सारे डाउट्स हुए कि जो कि कैसी कंपनी है, क्या नहीं है, और यही सब बहुत सारे डाउट्स थे। फिर उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला, तो मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि इस कंपनी का अगर ऑफर अगर आप पाता है, आप इंटरव्यू दिए या इंटरव्यू कॉल आता है, तो आप दीजिए, ठीक। और इसका ऑफर आता है भले Naukri.com से के थ्रू आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए, या कितने कहीं किसी सोर्स से, और ऑफर आ जाता है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। और ये कंपनी बहुत ही स्टेबल कंपनी है, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ही स्टेबल कंपनी है, ठीक। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो 1000+ एम्प्लॉय है, इस इंटीग्रा माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। और ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, और इनके कुछ इंटरनल प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं, बट इनका जो मेन फोकस है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। और इनके जो क्लाइंट्स के टाइप हैं वो मोबिलिटी क्लाइंट्स है, वो मोबाइल से रिलेटेड ज़्यादा क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल, इनके पास काफ़ी वैल्यूएबल क्लाइंट है। सो फॉर एग्जांपल लाइक मोटरोला, सैमसंग, नोकिया, स्लिंग मीडिया, ठीक है, ये इस टाइप के काफ़ी सारे क्लाइंट इस कंपनी के पास हैं, ठीक। तो मैं एक इस कंपनी के थ्रू मैं एक मोबाइल की कंपनी में 2 साल काम किया, ठीक है। और उस समय काफ़ी डाउट थे, ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, ये वो। तो सारे सारे डाउट्स मुझे ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे प्राउड फील हुआ कि नहीं, ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और तो तभी मैं सोचा कि आप लोग के सामने ये रिव्यू बनाऊँ। और बात करते हैं और इसका सैलरी का, तो यस, सो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड ये सैलरी प्रोवाइड करती है कंपनी। अब बात करते हैं क्लाइंट और डेपुटेशन, ठीक है। अगर आपको नोकिया में आप सेलेक्ट हुए नोकिया के लिए, तो आपको हाँ क्लाइंट लोकेशन पे जाके काम करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि बहुत सारे क्लाइंट का ODC भी इसके अंदर है, तो आपको ODC से भी काम करने को मिलेगा विद इन इंटीग्रा माइक्रो, ठीक। और क्लाइंट लोकेशन भी है, तो ये हो गया। फिर जॉब सिक्योरिटी, यस, मैं ये चीज़ इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को साझा करूँगा कि इस कंपनी में मैं देखा हूँ अपने आँख से कि एक जो बंदा इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा को एक कंपनी डिप्लॉय किया एक क्लाइंट के पास, ठीक है, वहाँ पे उसका प्रोजेक्ट ओवर हो गया, तो ही और सी विल कम कम बैक टू इंटीग्रा इंटीग्रा माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विसेज, राइट। तो वहाँ पे ये कंपनी पढ़ने के लिए टाइम देती है, बहुत सारा टाइम देती है, और बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग, बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, तो ये सारे प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉई को। तो वहाँ से एक कोशिश करती है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स प्लेस पे हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्लेस करें, इंटरव्यू दिलवाती है, ठीक। और मैं देखा हूँ लिटरली एक बंदा को 1 साल तक वो इंटरव्यू देता रहा नहीं हुआ, फिर भी 1 साल तक कंपनी उसको फायर नहीं किया। फिर उसका हो गया किसी क्लाइंट में उसका मतलब उसको प्रोजेक्ट मिल गया, तो किसी क्लाइंट के लिए सेलेक्ट हो गया मतलब। तो मैं ये चीज़ देखा हूँ, जॉब सिक्योरिटी अभी तक कोई फायरिंग नहीं हुआ है, चाहे वो कोविड हो, कोविड के समय तो मैं उस कंपनी का पार्ट था, कोई फायरिंग नहीं हुआ है, ना ही अभी तक कुछ लोग हैं
जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, उनसे मैं बात करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, तो कोई फायरिंग नहीं है। बहुत ही अपने एम्प्लॉय को बहुत इज्जत कर देती है, ठीक है। है छोटा ऑर्गेनाइजेशन है बट बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है। और तो ये हो गया जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स सेटिस्फाइड, ठीक है, हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है। ये मेरा फीडबैक है इंटीग्रा माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बारे में। अब चलते हैं, अब ये क्लाइंट अलाउंस, अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे काम करते हो तो आपको क्लाइंट अलाउंस भी मिलेगा पर मंथ, और वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, वो आपको अलग से मिलेगा। तो ये फैसिलिटी है अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे काम करते हो। वर्क लाइफ बैलेंस एज पर क्लाइंट, ठीक, ये इसमें इसका आंसर यही है, एज पर क्लाइंट। क्लाइंट का कैसा वहाँ इन्वायरमेंट है, माहौल है, उस टाइप से इसका वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं प्रोजेक्ट लर्निंग। यस, इसमें मैं बताऊंगा कि देखिए आपको नया नया टूल्स टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत ही मीन्स लाइक रेपुटेड क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो हाँ, आपको प्रोजेक्ट में रह के बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगा। तो यस, एग्रीड। हाइक, हाँ, हाइक भी मार्केट के स्टैंडर्ड से देती है और अच्छा हाइक देती है। और एचआर सपोर्ट, यस, एचआर बहुत पंक्चुअल है। आपको कोई भी डाउट है आप मेल करोगे, वो आपको तुरंत ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो एचआर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। और इसमें हाँ, एम्प्लॉय रिटेन, ठीक है, मान लीजिए कि आप सपोज़ मैंने ही जब इसमें रेजिग्नेशन डाला था, तो मुझे भी रिटेन करने के लिए एक कंपनी काफ़ी कोशिश की थी, और ऐसा नहीं कि बहुत छोटा अमाउंट से, बट जो फॉर एग्जांपल कि आपका सैलरी मतलब एक्स वाई जेड है, तो उस पर 20% 30% 40% तक भी हाइक देके कंपनी रिटेन करती है और किया है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त को जो रिटेन हो गए बाद में, तो ये सब नॉलेज है मुझे, मैं रिटेन नहीं हुआ। तो ये है, रिटेन भी करती है और बहुत स्टेबल और ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मींस लाइक ऐसा है ना कि मतलब इसका एनालिसिस बहुत तगड़ा है कि मुझे, हाँ, मुझे इतना बंदा चाहिए, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे क्या है ना कि मतलब आपको न्यू टेक्नोलॉजी मैं देखता हूँ, मैं जब भी जाता था, मुझे तो बहुत कम टाइम मिला कि मैं IMSS ऑफिस जाऊँ, क्योंकि मोस्टली मैं क्लाइंट लोकेशन पे काम करता था। तो वहाँ पे देखते हैं कि नया नया टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग चलता रहता है, ब्लॉकचेन, ये उस समय बताता हूँ, 2019 से 2021 तक, अप्रैल 2019 में ज्वाइन किया था और अप्रैल 2021 में मैं कंपनी छोड़ा, तो करेक्ट 2 साल। तो उसमें उस समय मुझे जो जो नया नया टेक्नोलॉजी था उसका ट्रेनिंग जब भी जाते थे वहाँ पे तो देखने को मिलता था। तो ये सब सारी चीज़ हैं, यस। और सो डैट्स ऑल दोस्तों, तो दिस इज़ द ऑनेस्ट रिव्यू फॉर IMSS, इंटीग्रा माइक्रो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एंड और कंपनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि और ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, ग्रोइंग। सो अभी इतना भी टाइम ख़राब चल रहा है, फिर भी ये कंपनी आगे की तरफ जा रही है, ग्रोइंग। तो यू कैन ज्वाइन इट इफ़ एवरीथिंग यू आर गेटिंग और यू आर सेटिस्फाइड विथ सैलरी एंड ऑल, देन यू कैन ज्वाइन दिस कंपनी। सो डैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।